वेलकम टू साव कुकिंग चैनल में सबका स्वागत है दोस्तों। आज बनाने वाली हूँ हनी गार्लिक गोभी रेसिपी, बिल्कुल चाइनीज टाइम में परफेक्ट बनेगा। जैसे मैं चिकन बना के देखा, अभी गोभी बना के आप लोग को दिखाऊंगा। गोभी काट लिया, जैसे चिल्ली गोभी काटता है मंजूरी का, इस तरफ से थोड़ा मीडियम साइज का ले, काट के वॉश करके इसको रखा। इसका मतलब पहले बाटर बनाने जाऊंगा गोभी फ्राई करने के लिए, चाइनीज बाटर। पहले डालूंगा कॉर्नफ्लावर डाला 50 ग्राम। इसके बाद में डालूंगा थोड़ी सी मैदा, बिल्कुल क्रिस्प फ्राई होना चाहिए। इसके बाद में नमक, साबुन से साल्ट, सॉल्ट, वाइट पेपर, आप लोग चाहे ब्लैक पेपर वो डाल सकते हैं। तुम डालूंगा थोड़ी सी अदरक लहसुन पेस्ट, क्योंकि अच्छा फ्लावर आता है, वह टेस्ट होता है अच्छी से। इसका पानी देके इसको बाटर बनाऊंगा, तो थोड़ी सी पानी डालूंगा, ज्यादा नहीं, जितना चाहिए इतना डालिए। ज्यादा मोर डालेगा तो पानी जैसा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा डालू, उसके बाद में और थोड़ा पानी डालूंगा। तुम्हारा सामान हिसाब से जितना गोभी है वही हिसाब से डालिए, जो दिन लूज हो जाए थोड़ा मैदा डालिए, बस थोड़ा बाटर अच्छे से बन जाएगा। और थोड़ा मैदा डालूंगा क्योंकि थोड़ा लूज हो गया, पानी ज्यादा गिर गया था, पानी ज्यादा गिरा, थोड़ा मैदा डाल दीजिए, थोड़ा कन्हा डाला, हो जाएगा बाटर। देख किस तरह बाटर बन गया, थोड़ा क्रीमी टाइप से बाटर को अच्छे से मिक्स करिए, पूरा इस तरफ से जबरदस्त बने मटर। इसके बाद में इसका साथ गोभी डाल देंगे, गोभी डाल के अच्छे तरह इसको मिक्स कर लेंगे। हो गया मिक्स, अभी जाऊंगा कढ़ाई में, तेल कढ़ाई में फ्राई करने के लिए। पहले से जला के रखा हुआ, तेल हीट हो गया, डाल दूंगा। दोस्तों तेल गर्म हो गया, मैं डाल दे रहा, हाँ दोस्तों 5 मिनट तक मिक्स करें, मेरे को रखकर अच्छा हो ना, इतना क्रिस्प हो गया देख, बहुत अच्छा से बनाया। और बिल्कुल गोभी क्रिस्प होना चाहिए, तो स्टार्टर ऑर्डर है ना, क्रिस्प होने का खाने को बहुत मजा आता है और अच्छा होता है और गुड टेस्ट होता है। तो अच्छी तरह से पकाए, ज्यादा ही फ्राई में नहीं पकाए, जो अंदर से नहीं पकेगा ऊपर से पक जाएगा, अंदर पकेगा नहीं। तो गोभी थोड़ा टाइट है, आप लोग चाहे तो हल्का गर्म पानी से गोभी उबलने टाइम डाल दीजिए, हाफ बॉइल करके व्हाइट कोटिंग बटर बना के इसको तो फ्राई कर सकते हैं। गोभी होता है डायरेक्ट जो करने को मालूम है वो कर सकते हैं, स्लो फायर में करेगा। होटल रेस्टोरेंट में तो ऐसा फ्राई करने को फ्राई तो बॉयल करने का जरूरत है नहीं, तो घर में बनाने के लिए प्रोसेस बता दिया। जैसे हाफ बॉयल करिए, किसी में कौन सा मैदा अच्छी तरह से बटर पहले बने, इसके बाद में गोभी डालिए, इसके बाद में तेल गर्म होने के बाद डालिए। क्यों गोभी डाल के इसके ऊपर मैदा कौन सा डाल के बटर मत बने, गोभी टूट जाता है। तो अभी फ्राई आराम से होने दो, साइड में इसका सॉस बना लेंगे। कड़ा यूज कर रहा हूँ, पहले चूल्हा जलाऊंगा, कड़ा डाल रहा हूँ, पहले थोड़ी सी ऑयल और थोड़ी सी बाटर डाल दूंगा, बाटर बिल्कुल थोड़ी, क्योंकि थोड़ी सी एक पोर्शन बना रहे हो गया। इसके बाद में डालूंगा गार्लिक, तो गार्लिक फ्लावर आना चाहिए, गार्लिक थोड़ा चिकन करने के बाद में डालूंगा सारे 100 ग्राम तक साबुन, तो फ्राई कर लूंगा। दोस्तों गोभी को निकाल देंगे तो बिल्कुल फिर से फ्राई हो गया। फ्राई करेंगे, इसका बाद में डालेंगे डाइनिस टमाटर सॉस, थोड़ा सोया सॉस, डार्क सोया सॉस, आलू डालेंगे,
डाल दिया, धनिया डाल दिया, अब आदमी डालूंगा सात अंग का व्हाइट पेपर, दस हो गया। अभी आएगा गोभी फ्राई हुआ गोभी, तो इसका बाद में डालेंगे गोभी, सारे गोभी को डालेंगे से मिक्स कर लेंगे। आप लोग चाहे कढ़ाई में बनाते अच्छा है, इसमें हम लोग को जल्दी होता है बनाते ऐसे खिलाने। वो तो अभी प्लेट में साफ करके बिल्कुल स्टार्टर में अच्छा लगेगा, उस प्लेट में हाइट करके उसको गार्निश करके देगा तो और भी बढ़िया रहेगा। वो टेस्ट वो जबरदस्त है, खुशबू वो जबरदस्त है। क्या बना? हनी गार्लिक गोभी जबरदस्त है। डालूंगा थोड़ी सी हनी, इसके बाद में डालेंगे व्हाइट तिल, बस मिसेज जिसको बोलते हैं।